हेलो सर्वाइवर्स टॉप 10 फैक्ट सीरीज में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चेहरे की जिससे पूरी फ्री फायर पाकिस्तान कम्युनिटी वाकिफ है। जी हाँ, हमारे कास्टर और हर दिल अजीज मिस्टर डाउडी। डाउडी का पूरा नाम मोहम्मद अली है। डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर 1994। जोडियक साइन सैजिटेरियस। डाउडी ना ही सिर्फ कास्टर है बल्कि एक अच्छे फ्री फायर प्लेयर भी हैं। डाउडी ने अपना कैरियर SNE स्पोर्ट्स फ्री फायर प्लेयर से शुरू किया और अपने पहले ऑफिशियल टूर्नामेंट का आगाज फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज से किया। इनके लिए सबसे बड़ी पैसे से फखर की बात ये थी कि इनकी टीम कराची क्वालिफायर्स के सबसे टफ ग्रुप में 3 मैचेस में 3 भुइया लेने में कामयाब हुई। एक कास्टर की हैसियत से अगर देखा जाए तो इनकी जिंदगी का सबसे फखरिया लम्हा वो था कि जब सल्लू के साथ इन्होंने FFPL 2 के फाइनल में टीम्स की एंट्री पे अपने जोश और जज्बे का इजहार किया और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इंजॉय किया और अप्रिशिएट किया। डाउडी को जोयना का गेम प्ले बहुत पसंद है। उनका कहना है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि जोयना अपनी टीम के बैकबोन है और ये कि जोयना ने अपनी टीम के लिए काफी टूर्नामेंट्स जीते हैं। साथ ये भी कि शायद फिनिक्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड सीरीज का टाइटल अपने नाम ना कर पाती अगर जोयना अपनी काबिलियत के रंग ना दिखा पाते। डाउडी की फ्री फायर ई स्पोर्ट्स जर्नी का आगाज टीम स्काई हॉक्स के साथ हुआ। इस टीम की बुनियाद शाजी, सूरी भाई और डाउडी ने खुद रखी। डाउडी ने अपने पहले ऑफिशियल टूर्नामेंट की शुरुआत टीम स्काई हॉक्स से की जहां उनकी क्यादत में लाहौती, अशर और सलमान मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट से पहले भी इनकी टीम काफी लोकल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी। डाउडी का फेवरेट प्लेइंग स्टाइल मिड रेंज और शॉर्ट रेंज है। डाउडी की कोशिश स्क्वाड से आगे रहने की होती है ताकि आगे रहकर टीम को पहला नॉकडाउन दिला सकें। उनकी फेवरेट लॉन्ग रेंज वेपन वुडपेकर और G36 है, जबकि शॉर्ट रेंज वेपन्स की अगर बात की जाए तो उनकी फेवरेट M1887 और M1014 है। डाउडी और सल्लू की जोड़ी खूब जमती है। डाउडी की तरह सल्लू भी इन गेम कॉल्स के जरिए गेम को खेलना पसंद करते हैं। सल्लू का स्टाइल आमतौर पर थोड़ा होल्ड करके खेलने वाला है जो कि डाउडी की मदद करता है, जबकि उन्हें क्लोज रेंज में कॉम्पैक्ट में कवर देने की जरूरत होती है। डाउडी की ख्वाहिश एक स्किल्ड होस्ट बनने की है। उनका कहना है कि फ्री फायर जर्नी के इख्तिताम के बाद उनका गोल ये है कि वो एक स्किल्ड होस्ट बने और उसके लिए वो अपने स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए तैयार हैं। डाउडी काफी इमोशनल हैं। काफी प्लेयर्स का डाउडी से मुलाकात के बाद उनको इंस्टा पे मैसेज करना हुआ है और वो कहते हैं, हमें तो लगता था आप काफी गुस्से वाले हैं मगर आप तो इसके बिल्कुल अपोजिट निकले हैं। डाउडी की टीम जब कराची क्वालिफायर से डिसक्वालिफाई हुई तो वो पहली बार रोते हुए दिखाई दिए थे। वाकई काफी मुश्किल से संभाला होगा खुद को। डाउडी को ऊंचाई से काफी डर लगता है। बचपन में उनके भाइयों जैसे कजन उस्मान और वो खेल रहे थे और डाउडी एक स्टूल से गिरने की वजह से कलाई फ्रैक्चर करवा बैठे थे। उस दिन के बाद से डाउडी को ऊंचाई से काफी डर लगता है। डाउडी की बैड हैबिट है खाना और बेतहाशा खाना। उनका कहना है कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि जो वो खाते हैं वो उनके जिस्म पर लगता नहीं, वरना माशाल्लाह जितना डाउडी खाते हैं तो वो अब तक के पाकिस्तान के भिक्षु बन चुके होते हैं, है ना मजे की बात। डाउडी कहते हैं गर्लफ्रेंड हो तो लॉयल हो। उनका मानना है कि इस दुनिया में जो कि धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है, लॉयल्टी बहुत ही कम देखने को मिलती है। डाउडी मजीद कहते हैं कि उनकी लवर बहुत लॉयल हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज का एपिसोड होता है यहाँ खत्म। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे मजीद फैक्ट्स जानने के लिए।